सर प्लीज मुझे अपने यहाँ नौकरी पे रख लो सर प्लीज। मैं कहाँ से नौकरी पे रखूँ तुझे? अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, आपके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, इतने मालदार आदमी हो, कोई ना कोई ऑफिस जरूर होगा आपका, उसमें नौकरी पर रख लो सर प्लीज प्लीज, वॉचमैन बना दो चाहे प्लीज। अबे बॉस के मेरी गाड़ी क्यों होती है, मैं खुद इसके पीछे पेशाब करके आ रही हूँ। चल वैसे वायदा में तूने मुझे इतना मालदार समझा, तेरा थैंक्स। भोसड़ी के भट भिखारी साले। अरे फैयान भाई कैसे उदास बैठे हो, मुलेट का पड़ा भाई तुम्हारा? अरे यार इल्मा भी छोड़ के चली गई। अबे यार फैयान भाई तुम ऐसा काम करते क्यों हो, क्या मिलता है इन कामों से, कटवाते रहते हो अपना, बेकार हो जाओगे बेकार। तो एक काम करो, ये वो खेल के ले जाओ, भाभी को दे दियो, अदरक लहसुन कूट लेंगी इससे। बदतमीजी पे तो तुम पहले उतर जाओ, तुम्हें समझाने की बात। तो बेकार कहाँ है, सही तो है काम। यार जावेद आज मेरे पापा ने मेरी आंखें खोल दी। अच्छे है भाई। यार तेरे घर से जो वो सिलेंडर चुराता था, वो कोई और नहीं चुराता था, वो मैं चुराता था यार, उसकी माफी मांगता हूँ यार मैं। यार तेरी सच्चाई देख के आंखें मेरी भी खुल गई फैयान आज, तेरे जो पापा का बटुआ चुरता था ना और वो तुझे मारते थे, तो वो कोई और नहीं चुराता था, वो मैं चुराता था। वाकई तुझमें भी यार सच्चाई है। तेरी साले हम पिटते थे और तेरा पति उससे कुछ कह के ना नौकरी चेंज कर करे। अब तो यार बात तो एक ही है यार, बात तो एक ही है। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो, छोड़ो यार, क्यों मार रहे हो इस गरीब को? अरे ऐसे कैसे छोड़ दो, साले ने चोरी करी है। अरे फिर भी कोई बात नहीं यार, गलती हो गई होगी इससे, छोड़ो इसे यार। अरे यार भाई साहब चोरी करी है, चोर है, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? अरे कोई आदमी जानबूझ के चोर नहीं बनता भाई, हालात बना देते हैं, मजबूरी बना देती है। इस भाई की कोई मजबूरी नहीं होगी जो चोर बनाई है, तुम नाजायज मार रहे हो अगले को, छोड़ो इसे। हाँ भाई साहब देख लो, पता ना इनके गांड में क्या चिर्रा लग रही है, पैसे मैंने तुम्हारे घर से चुराए। चले आज के बाद मैं तुझे कहीं लेके नहीं आऊंगा। अरे क्या हो गया भाई, क्यों ना लेके आओगे बच्चे को? अरे यार स्कूल के सामने लड़की छेड़ लिया है। अरे यार छोड़ो, कॉमन है आजकल चलता लड़की बाजी करना, लड़कियों को छेड़ना, और तू भी चल माफी मांग इनसे, आज के बाद मत करिए काम। चलो आगे से ना करूंगा। अरे यार छेड़ लिया है तो सबर है, अपनों में ही दगा कर लिया है, तुम्हारी साइडिंग की कमर में हाथ डाल लिया जबरदस्ती। भोसड़ी के मेरी साइडिंग को हाथ कैसे लगाया तुमने, लड़की बाजी कर रही है? अबे तो तेरी बहन थोड़ी है साले, साइडिंग है मेरी। अबे चल छोड़ दे। कोई भी दोस्त या कोई भी मेंबर एविएटर में इंटर सकता है या एविएटर से अर्निंग करना चाहता है तो भाई वो इजीली कर सकता है। ये हैक बोर्ड जो है मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, हैक बोर्ड से ये पता चलता है कि नेक्स्ट राउंड कितने जाने वाला है। बोर्ड के लिए आपको करना कुछ नहीं है, जाके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाके टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ से हैक बोर्ड लो और ईजिली यूज करो और अर्निंग करो और दोस्तों को भी। अरे नादिर ना है, मैं रिजवान हूँ। रिजवान क्या कर रहा है बेटे? अरे फिल्म देख रहा हूँ। फिल्म कैसी देख रहा है, हमें भी बता दे। अरे यार तुम्हारे मतलब की ना है, गंदी गंदी फिल्में हैं। अबे बेटे गंदी फिल्में हैं, देख ना सकते तो बहरे थोड़ी हैं, आवाज तेज कर दे सुन के मजे ले लेंगे। बेकार ना यार ये तो एक काम ना कर ले, जब दिखाई ना दे तेरी गालना मार ले। साले गांड पे मत आइए। रेडबुल की कैन। अरे दानिश भाई क्या हाल है? अरे बढ़िया फैजान भाई, और कहाँ जा रहे हो? अरे यार वो थोड़ा मार्केट जा रहा था, रास्ते में मुझे प्यास लगी, मैं कहा चलो रेडबुल ले लो यार, रेडबुल ही पिए लें। दानिश भाई जहाँ से तुमने रेडबुल की खाली कैन उठाई है वो मैंने पी के फेंकी है। बराबर देख रहे थे। दानिश भाई कहाँ आ रहे हो भाई? अरे यार मार्केट जा रहा था, मुझे प्यास लगी, मैं कहा चलो रेडबुल पी लो। पानी 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 पानी। अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। ले बेटे पानी पी ले। कुछ और चाहिए मेरे बेटे? अंकल जी अपनी सेटिंग की ओर दिलवा दीजिए। अरे भासड़ी के पूरे इंस्टाग्राम पे पानी मांगते फिर गया। अंकल जी मारिए मत। यार तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना, तुमसे खाना बनाना नहीं आता। सॉरी कोई बात नहीं, मैं दूसरा घर बनवा लूंगा।
जो मैंने गलती करी है वो गलती कभी तुम मत करना। केटीएम का जुनून चढ़ा था हमें नया नया, हमने घर वालों से बोला कि हमें केटीएम दिला दो तो उन्होंने साफ मना कर दिया। हमने सोचा थोड़ा सा नखरा दिखाएंगे ना तो केटीएम गाड़ी मिल जाएगी। मैंने कह दी इस घर में साला खाना ही ना खाऊंगा, तो घर वालों ने खाना तो दिया ना। फिर मैंने सोचा यार इससे कुछ नहीं हो रहा, मैंने बहनचोद मैंने बोल दिया मैं इस घर में कभी जिंदगी में कदम ना रखूंगा जब तक मुझे केटीएम ना मिलेगी। सालों ने मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दिया मेरा। दानिश भाई तुम हमारे दोस्त हो, ये भी हमारा दोस्त है। अब जैसे हमारे घर कोई मेहमान आएगा तो या तो आप हमारे साथ नाश्ता लेने जाओगे, उन्हें नाश्ता करवाओगे, या आप साइड में खड़े हो जाओगे, या आप घर चले जाओगे कि बाद में आ जाएंगे साहब नाश्ता कर ले मेहमान, बाद में आ जाएंगे, हम तो दोस्ती वाला मामला। लेकिन ये जो हैगा भोसड़ी वाला, ये साला मैं मेहमानों के साथ नाश्ते में बैठेगा और कमी अलग से निकालता और कहेगा काजू नहीं रखे बादाम नहीं रखे। तो तुम्हारी अम्मा ही कह मैं बैठ जा लल्ला बैठ जा। अबे वो तो कह मैं ही है, ऐसे तो सबसे कहते ही है यार। तो हमारे घर काजू बादाम ना होते ना, इनके घर पे अच्छे वाले खजूर भी लाए नहीं। अबे हमारे घर लोड़ा बादाम भी तो है, वो क्यों ना खाता तू, वो रखो तब ना।